Bella X Kalam Ink. You're not ready for this. So, hey, what's up guys? Welcome back to another video. लेके आज हुए तुम लोग के लिए एक और बेहतरीन वीडियो. और आज की इस वीडियो में हम लोगों को एक और बार से भाई साहब कलम इंक सेक्स बेला का स्निपेट देखने को मिला है, जो कि कल रात में शायद से बच चुके थे, एक वक्त बच चुका था. तब वहाँ पे हम लोगों को कलम इंक ने अपने स्टोरी पे सुनाया और इसका टाइटल जो है वो तो तुम लोग को पता ही है, रात ता 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 ता. और भाई साहब इसका जो जितना वर्स हम लोग को सुनने को मिला, शायद से ये वर्स ही है एक तरीके से, जो कि मुझे लग रहा है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, भाई नेक्स्ट लेवल है. तुम लोग भी एक बार सुन सकते हो. पहली बात पहले बोलूंगा, छोटे तो मेरे ही लेवल का नहीं है. एक साल हुआ है गेम में, सच बोला मेरे तो लेवल का नहीं है कोई. यहाँ पे हम फ्लेक्सिंग माय हार्ड वर्क, जेबों में कट्टा रखा है. मतलब भाई तुम देख रहे हो मार्केटिंग किस तरीके से कर रहा है भाई. मतलब 25 तारीख को बेला का गाना आ रहा है और भाई अगर हम लोग बात करें तो बेला भी अपने गाने की हाइप बना रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से. वहीं उधर साइड 30 तारीख को हम लोगों को कलम इंक का गाना देखने को मिल रहा है, जिसकी हाइप एक महीने से बढ़ी हुई है भाई साहब. कोई भी सर्च में एक वर्ड लिख रहा है तो पूरा गाने का लिरिक्स आ जा रहा है, यानी कि हाइप जो है वो नेक्स्ट लेवल बढ़ चुकी है. लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें कि कलम इंक बेला की, तो उसकी भी हाइप ये लोग बनाना स्टार्ट करती हैं, जबकि अभी पिछला गाना रिलीज़ नहीं हुआ है, यानी कि जो आने वाला गाना है भाई नेक्स्ट लेवल चल रहा है सारा चीज़. और मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्केटिंग जो सीन है ना, वो और भी लोग ट्राई करने वाले हैं. पहले ऐसा नहीं होता था कि लोग स्निपेट पहले निकालते थे और मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी जगहों पे सुना देते थे अपने गाने. लेकिन अब क्या हो रहा है कि हर एक बंदा पहले थोड़ी बहुत क्लिप सुनाता है, उसे माइंड में स्टक करवाता है, लोगों से सर्च करवाने को उतावला करता है, और उसके बाद भाई साहब जब गाना आता है तो नेक्स्ट लेवल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है. क्योंकि यार सब चाहेंगे, कोई भी एक ऐसी लाइन आ जाती है जिससे, मतलब जैसे रील होती है, रील तुम देख रहे हो, उसमें एक नया गाना आ गया, चलो अनदर बैंगर बेबी कम डाउन कम डाउन, तो वो काम डाउन वाला गाना आता है तो उसमें तो बस हम लोग को छोटा सा पार्ट देखने को मिल रहा है 15-20 सेकंड का, लेकिन उसको सुनने के लिए यूट्यूब पे इतने ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं उस गाने को कि भाई साहब नेक्स्ट लेवल हो जाता है. तो वही सही, वही मतलब समझ लो कि एक तरीके से ये एक मेटा है जो कि भाई लोग समझ चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है. और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग और बड़े बड़े लोग ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये जो हनी सिंह बादशाह रफ्तार हैं ये लोग स्निपेट वगैरह डालते हैं, लेकिन डालेंगे तो सबको फ़ायदा हो सकता है. तो आई होप कि वो लोग भी इस चीज़ को ट्राई करें. वैसे हर एक बंदे को करना चाहिए भाई, अगर तुम्हारी लिखावट अच्छी है तो तुम बिना मतलब सॉन्ग के भी हाइप बना सकते हो, मतलब बिना प्रमोशन के. बस अपने इंस्टाग्राम या फिर अपने सोशल पे अपलोड करो और भाई साहब अगर तुम्हारा वो एक लाइन अच्छा हुआ ना, जो भी तुम रिलीज़ करोगे या फिर शो करोगे लोगों के आगे, तो भाई वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा. जैसे अभी बिग बॉस के अंदर हाथ बर्थी गाने को जो MC स्टैन है उसने परफॉर्म किया था छोटा सा क्लिप, तो वो भी बहुत अच्छी मार्केटिंग थी. देखो पूरा का पूरा मतलब नेशन देख लिया था उसको, क्योंकि बिग बॉस को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा TRP मिलती है, तो भाई सब ने सुना. और उसके बाद उनके इंस्टाग्राम पे भी जाके लोगों ने सुना, और भाई साहब जब भी वो गाना आएगा ना, वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा. क्योंकि एक तो कैश्मीर की प्रोडक्शन है, म्यूज़िक प्रोडक्शन, और उसके बाद से जो MC स्टैन के तो हैं ही फॉलोअर्स बढ़िया, तो वो सारे लोग बहुत अच्छे तरीके सुनेंगे और अच्छे खासे व्यूज आएंगे. और मुझे जहाँ तक लगता है कि केवल एक ही गाना MC स्टैन का 100 मिलियन क्रॉस हुआ है, मतलब पहले तो बिग बॉस के पहले तो एक भी गाना नहीं था, तुम लोगों को पता है ये चीज़ फैक्ट है कि MC स्टैन का एक भी गाना बिग बॉस से पहले 100 के नहीं था, 100 मिलियन सॉरी. और अब क्या है कि उसका एक दिन प्यार शायद से 100 मिलियन हो गया है, और स्नेक का भी बहुत अच्छा क्रेज चल रहा है, तो वो भी सीन है. मतलब वही चीज़ है कि जितना भी मतलब हाइप बनाओगे उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे. और राइटिंग अच्छी है तो भाई तब कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम हाइप बनाते रहो बहुत तगड़ी है. और वैसे भी बेला और कलम की बात करें तो भाई दोनों के दोनों बहुत सिमिलर हैं, दोनों चीज़ करते हैं, चाहे वो डार्क लोफी हो या फिर मतलब डार्क हिप हॉप हो या फिर एकदम हार्डकोर हो, वो भी दोनों लोग कर सकते हैं. बस यही मुझे जानना है कि भाई कुछ ऐसा निकालो जिससे कि औरों तक पहुंचे, क्योंकि तुमको पता है कि किंग हो गया या फिर पैराडॉक्स अभी के लिए जो ट्राई कर रहा है, मतलब सब कमर्शियल जा रहे हैं और जाना पड़ेगा. मैं नहीं कह रहा कि छोड़ दीजिए सब, लेकिन हाँ मुझे चाहिए कि हाँ उनको और भी लोग सुने, और उनके पुराने गाने को सुनने के लिए उन्हें कुछ नया ऐसा ट्राई करना पड़ेगा जो कि वायरल हो सके, जो कि मतलब रील वगैरह पे या फिर मतलब समझ रहे हो ना, कमर्शियल हो, जिससे लोग हो तक पहुंच सके. क्योंकि तुमको पता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि कमर्शियल ट्राई करते हैं हिप हॉप में, और बहुत हेट भी करते हैं लोग. अगर कोई कमर्शियल यूज़ कर दिया तो बहुत ज़्यादा हेट मिलता है उन लोगों को, जैसे किंग को भी पिछले साल बहुत मिला था. अब चलो अलग ही ऑडियंस बना ली है उन्होंने, मतलब अब मतलब मेन स्ट्रीम वाली ऑडियंस है उनकी,
जो कि बॉलीवुड सुनते हैं या फिर समझ रहे हो कि वाले गाने सुनते हैं जो कि पार्टी वाले हो, कॉमर्शियल हो, समझ रहे हो, वो चीज़ है। पर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी के लिए जो चल रहा है चलने दो, अभी बस हाइप क्रिएटेड है यहाँ पे कलम एक एक्स बेला रा वाली की, भाई साहब नेक्स्ट लेवल है, मज़ा आ गया मेरे को सुन के। और तुम लोग को कैसा लगा ये वीडियो जरूर से बताना, मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। साल से ना शक्ल देखी बाप की, जब घर आया पता ही नहीं था लोटे में राख थी वो बाप की, जिसने चलना सिखाया था पर नशा इतना ज्यादा कि मैं चल ही नहीं पाया। माँ जिम्मेदारियों से भागता रहा मैं, जो रिश्तों के धागे थे वो काटता रहा मैं, जो खुदा देता दर्द उसे बांटता नहीं मैं, फिर जो खुशियां मिली मुझे वो क्यों बांट रहा था मैं। हाँ।